मृत्यु एक एनिग्मा है। एक पजल है। तुम्हें तुम्हारी मृत्यु कैसे मिलेगी तुम नहीं जानते। मृत्यु का भय कब चला जाएगा? पहले तो मृत्यु को ज्ञान करना है। मृत्यु का समय कैसा भी हो सकता है, कोई आकर तुम्हें गोली मार दे। शायद तुम बहुत कमजोर हो, कमजोरी की हालत में तड़प तड़प के तुम सांस छोड़ रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। या तो ऐसा भी हो सके तुम्हारे आसपास बहुत चाहने वाले हैं, तुमको टटोल रहे हैं, पर तुम शरीर छोड़ रहे हो। कहीं तुम अचानक अकस्मात ग्रस्त हो गए, तुम कहीं बाइक से जा रहे थे और अचानक तुम्हें ही नहीं पता चला कि मैं अकस्मात में हूँ। तुम्हें पता चल रहा है कि मेरा शरीर के ऊपर से काबू गवा रहा हूँ और तुम किसी ट्रक के नीचे आ जाते हो, वहीं तुम क्रश हो जाते हो, तुम समाप्त हो जाते हो। जो कुछ पलों की स्थिति होती है वो थोड़ी विकृत और भयानक होती है, क्योंकि असह्य पीड़ाओं के साथ तुम्हारा शरीर प्राण छोड़ता है। तुम्हारा शरीर से प्राण निकलने में देर लगती है क्योंकि सड़न डेथ होती है। तुम्हारे हाथ पैर थर थर आते हैं, मतलब जीव वहां है, तुम पीड़ा का एहसास कर सकते हो, पर तुम्हारी काफी इंद्रियां समाप्त हो चुकी है इसलिए तुम बोल नहीं सकते। मृत्यु अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी तुम भय के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो। कुछ कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं तो भय के कारण, कुछ डरावनी चीज देख रही, कोई जीवन में दुर्घटना हो गई, कुछ लोग तुम्हारे घात करने तुलाए, तुम बहुत भयभीत हो गए हो, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि तुम अचानक डर के मारे ही मृत्यु हो जाती है। मतलब मृत्यु अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए मृत्यु को जीतने के लिए पहले मृत्यु को समझना पड़ेगा। मृत्यु एक विज्ञान है, मृत्यु एक विज्ञान है, मृत्यु एक अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जब आप जाते हो, इस अवस्था को महसूस करें, इस अवस्था को महसूस करें, इससे परे जाना शुरू करें। जब मृत्यु एक विज्ञान है जो ये समझ में आ जाएगा, बाद में उस मृत्यु की अनुभूति के लिए जब जाओगे, ध्यान अवस्था के अंदर एक सूक्ष्म मृत्यु आती है, जब ये एहसास हो जाएगा तब तुम्हारे मृत्यु का डर चला जाएगा। जैसे तुम एक घर में से दूसरे घर में गए, पहले डर लगता था, अब धीरे धीरे ये परिस्थिति और ये अवस्था तुम सीख गए, फिर धीरे धीरे डर छूट जाएगा। डर तब छूटेगा ज्ञान से नहीं, अनुभूति से। ज्ञान तो आ गया, मतलब समझ आ गई, पर अनुभूति बाकी है। तुम सभी की हालत यहाँ ये होती है कि तुमने काफी अभ्यास किया है तो ज्ञान है, पर अनुभूति बाकी है। इस अनुभूति के कारण तुम अधूरे रहते हो। ज्ञान ऐसा होता है कि जब तुम सुनते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम इसमें बह जाते हो, तुम मानने भी लगते हो। मानने इसलिए लगते हो कि वहां तुम्हारा मन की शंका कुशंकाएं समाप्त हो जाती है। तुम उस चीज को मानोगे जहां मन चुप हो जाएगा या समझ जाएगा, और आत्मा भी मानेगी जहां आत्मा हाँ कहे, यहाँ ये सत्य है। मन का कारण है विद्रोह करना, पर कुछ सत्य ऐसा है कि जहां मन विद्रोह नहीं कर सकता उसको मानना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन की भी खोज थी। पर आगे जाके मान तो लिया, पर अब अनुभूति नहीं है, तब तक आप दृढ़ नहीं होते।
इसीलिए अनुभूति की जरूरत है। इसके कारण आप कच्चे रहते हैं और उस कच्चे रहने के कारण तुम्हारी प्रगति ठीक से नहीं हो पाती। हमारा कार्य है इस जगत में आकर पूर्ण परमात्मा की ओर प्रगति करना, तो ये अत्यंत जरूरी है। इसके लिए तुम्हें मृत्यु के डर को पहले जीतना पड़ेगा।